पनीर बटर मसाला तो हम सभी का फेवरेट है और मुझे तो बहुत पसंद है, खासकर नान के साथ पनीर बटर मसाला मज़ा ही आ जाता है। रेस्टोरेंट में हम जब भी ऑर्डर करते हैं तो पनीर बटर मसाला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर बटर मसाला की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप अगर एक बार घर में ट्राई करेंगे तो आप पनीर बटर मसाला मेरी ही रेसिपी से बनाएंगे। इसका जो क्रीमी टेक्सचर है और सारे फ्लेवर जो उठ के आते हैं इसमें, ये बहुत ही यम्मी लगती है। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत आसानी से बन जाती है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पनीर बटर मसाला घर में बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन या कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। फिर हम यहाँ पर प्याज डाल देंगे। ये रफली चॉप्ड प्याज है, मैंने इन्हें बारीक कट नहीं किया है क्योंकि हमें इनका पेस्ट बनाना है। और मैंने यहाँ पे दो ग्रीन चिलीज ले ली हैं, हरी मिर्च, और ये एक टमाटर है, इसे मैंने ऐसे ही रफली चॉप्ड कर लिया है। अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसे स्टेयर करेंगे। अब हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और थोड़ी सी अदरक। अब हम इसमें 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची डालेंगे और 2 छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग डालेंगे और इसे हम चला लेंगे। ये देखिए, हल्का सा इसे स्टेयर करेंगे। अब इसमें जाएगा 1 मुट्ठी भर के कैश्यू काजू। ये आप स्किप मत करें, इससे इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे और थोड़ा सा बटर जाएगा, एकदम थोड़ा सा। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। जो गैस की फ्लेम है अभी इस टाइम पे वो लो है एकदम। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैंने 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिया हुआ है। आप कश्मीरी लाल मिर्च लें, तीखी वाली लेंगे तो वो तीखी हो जाएगी सब्ज़ी। तो ये देखिए, मैंने 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल दी है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से इसे हम मिक्स कर ले रहे हैं। इस सब्ज़ी की खास बात ये है कि इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर कुछ भी नहीं पड़ेगा और उसके बाद भी इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें जाएगा नमक, थोड़ा सा नमक लें एकदम टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने तो बहुत थोड़ा सा लिया हुआ है और अब हम इसे नमक डाल देंगे और अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे। आप ध्यान दीजिएगा, गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए, धीमी आंच में इसे पकने दीजिए। ये करीब 10 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ, तो 10 मिनट बाद जो है ये इसे हम थोड़ा सा चेक करते रहेंगे बीच बीच में। ये मैंने चेक किया तो अभी 5 मिनट तक और इसे पकने की ज़रूरत है, तो 5 मिनट के लिए मैंने इसे फिर से ढक दिया है और 5 मिनट बाद हम देख रहे हैं, टोटल 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट बाद हम देख रहे हैं तो ये हो गए हैं हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं, कैश्यू भी सॉफ़्ट हो गए हैं और सब्ज़ियाँ भी सॉफ़्ट हो गई हैं। अब हम इसमें से जो तेज पत्ता है और जो बड़ी इलायची है और जो सिनेमन है, दालचीनी, उसको हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें इनका पेस्ट बनाना है, तो हम ये तीनों मसाले निकाल लेंगे। ये तीनों खड़े मसाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के होते हैं और ये हमारी जो सब्ज़ी है इसे ओवर पावर करेंगे, इसलिए हम इन मसालों को निकाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। पैन एकदम ठंडा हो चुका है, अब हम इन्हें जार में डाल के इसका पेस्ट तैयार करेंगे। हम इसे ठंडा होने तक का वेट करेंगे, हम इसे गरम गरम जार में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम गैस पे पैन रखेंगे और हम डालेंगे इसमें बटर, क्योंकि सब्ज़ी का नाम है पनीर बटर मसाला, तो इसमें बटर तो अच्छा खासा जाएगा। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। बटर हमारा जले नहीं, इसलिए हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे हरी मिर्च। आप ध्यान दीजिएगा, बटर जलना नहीं चाहिए एकदम। ये अभी अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है, मैंने इसमें पहले से हरी मिर्च डाल दी क्योंकि मेल्ट होने तक का वेट करूँगी तो वो जल सकता है। अब इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे हम पेस्ट यूज़ करेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे ताकि बटर हमारा जले नहीं। अगर आपको लग रहा है कि जल सकता है तो 1 टेबलस्पून आप वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा
पनीर को हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। और गैस की फ्लेम एकदम लो रखी है मैंने। पनीर की सब्ज़ी की एक ख़ास बात है कि ये जितनी तरीके की बनती है, चाहे मटर पनीर हो, पालक पनीर हो, कढ़ाई पनीर हो, पनीर बटर मसाला, और भी वैरायटी की बनती है सब्ज़ी ये, तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी अलग होते हैं और इसका टेस्ट भी अलग होता है और बनाने का तरीका भी अलग होता है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसे हम मिक्स कर देंगे, जो बटर है इसके साथ में मिक्स कर देंगे। और अब थोड़ा सा इसे हम स्टेयर कर लेंगे, हम इसे जेंटली चलाएंगे क्योंकि पनीर जो है वो सॉफ्ट है इस टाइम पे। ये देखिए हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट, मैंने इसे छाना नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप छान करके डालें, ये बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना है। अगर आपकी ग्रेवी ज़्यादा थिक हो रही है, ज़्यादा गाढ़ी है, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें तो वो पतली हो जाएगी। ये इसे हम अच्छे से स्टेयर कर लेंगे, बहुत ही जेंटली हम इसे चलाएंगे जिससे कि ये जो पनीर है ये टूटे नहीं, और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे से जले भी नहीं। ये देखिए अच्छे से मैं इन्हें चला ले रही हूँ और इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। अगर आपने खट्टे वाले टमाटर लिए हुए हैं तो आप इसमें एक चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल टमाटर हैं जो खट्टे नहीं होते तो मत ऐड करें। सब्ज़ी को हम एक बॉईल आने तक कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो वो नीचे से जल जाएगी। एक बॉईल आ गया है, सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है और ये बिल्कुल भी जली नहीं है, कंटिन्यू चलाती रही हूँ मैं। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ये ठंडे होने के बाद मैं इसमें कसूरी मेथी मिला रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा ठंडा होने के बाद। और अब हम इसमें मिलाएंगे फ्रेश क्रीम, ये अमूल फ्रेश क्रीम है, आप घर की मलाई जो है वो थिक होती है वो भी ले सकते हैं। ये हमारी सब्ज़ी तैयार है और अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी क्रीमी इसकी जो ग्रेवी है वो बनी है, कितनी क्रीमी और टेस्टी लग रही है ये सब्ज़ी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ये सब्ज़ी बनाइए। और इसमें हम थोड़ा सा क्रीम ऐड करेंगे, क्रीम के बिना मज़ा नहीं आएगा। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से आप कुछ भी स्किप मत करिएगा, और ये नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं, हर इंडियन किचन में होते हैं। अब ये थोड़े से धनिया पत्ते से मैं गार्निश कर ले रही हूँ। ये बहुत टेस्टी है सब्ज़ी, आप इस तरीके से एक बार अपने घर में पनीर बटर मसाला ज़रूर बनाएं और बताएं मुझे कैसे बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।